राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक जलाल दीन रूमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो कॉपीराइट 2023 राधा स्वामी सत्संग ब्यास सर्वाधिकार सुरक्षित जलाल दीन रूमी दीवाने शम से तबरीजी चुने हुए कलाम लेखक फरीदा मलिकी प्रकाशक डी के सीकरी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब एक चार तीन दो शून्य चार भारत कॉपीराइट 2023, राधा स्वामी सत्संग ब्यास सर्वाधिकार सुरक्षित पहला संस्करण 2023, विषय सूची प्रकाशक की ओर से प्रस्तावना भाग एक भूमिका भाग दो गज़ल प्रकाशक की ओर से विभिन्न संतों के जीवन और उपदेशों का चित्रण करने की श्रृंखला में महान सूफी संत जलाल दीन रूमी दीवाने शम्स तबरीजी यानी चुने हुए कलाम की प्रस्तुति हमारे लिए खुशी की बात है इस ऑडियो पुस्तक का आधार दीवान है रूमी की महान रचनाओं में से एक ऐसी रचना जो उनके प्यारे मुर्शिद और रूहानी रहनुमा शम्स की जुदाई के दर्द से उभर कर आई है इस ऑडियो पुस्तक में ग़ज़लों का संकलन बादी अल जमान, फुरूज़ानफर के मूल दस्तावेज़ों से किया गया है इन गज़लों का आधुनिक अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद फरीदा मलेकी ने किया है जो ईरानी अमरीकी हैं यह प्रस्तुति अंग्रेज़ी की पुस्तक का हिंदी रूपांतर है जो हिंदी भाषी श्रोताओं को मद्देनजर रखकर किया गया है पिछले दो दशकों में जिस उत्साह से प्रकाशन जगत में रूमी के कलाम पर आधारित कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है वहाँ यह सवाल पूछना लाजमी है कि इतनी सारी पुस्तकों के प्रकाशन के बावजूद क्या हमें एक और किताब की जरूरत है हमें वर्तमान संस्करण की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि रूमी के कलाम को जिस तरह से आज तक पेश किया गया है उनमें एक अधूरापन है वे प्राचीन भाषा में कहे गए हैं या उनमें वे पहलू नहीं मिलते जो रूमी की रहस्यमय रूहानी नसीहतों की तह में पाए जाते हैं जब शम्स दूसरी और आखिरी बार रूमी को छोड़कर चले गए तब रूमी ने चवालीस हजार पंक्तियों के कलाम की रचना की यह रचना एक मुरीद की अपने मुर्शिद के लिए गहरे इश्क और विरह की अभिव्यक्ति है जिस खुशकिस्मत इंसान ने रूहानियत की राह पर मुर्शिद के प्यार का एहसास किया या फिर जुदाई की तड़प को महसूस किया वह यकीनन यह समझ पाएगा कि यहां क्या पेश किया जा रहा है लेकिन रूमी की रचनाएं सिर्फ जुदाई की तड़प के बारे में ही नहीं है उनमें खुशी खुश मिजाजी नसीहत व्यंग और उलाहना है लेकिन सबसे अहम है इश्क ये गजलें उसी क्रम में पेश की गई हैं जिस क्रम में फुरू जानफर ने दी हैं ताकि हवाला देने में आसानी हो हर एक गजल का शीर्षक उसी गजल में से चुना गया है हर गज़ल के साथ दिया गया एक छोटा सा विवरण या तो इतिहास से और पुरानी किमनदंती से संबंध रखता है या किसी विचार या शब्द का अर्थ समझाने के लिए है हर एक गजल के लिए कुछ खोलकर कहना जरूरी हो गया है कुछ ग़ज़लों में फारसी के मूल स्रोत को देखने पर उनके कुछ अन्य प्रसंग निकल कर आए उनके भाव को प्राथमिकता देते हुए उनमें छुपे रूहानी और सूक्ष्म मायनों को नजरअंदाज नहीं किया गया है किताब में शब्दावली और फुटनोट भी इस तरह दिए गए हैं कि वे गजल के विषय उसमें दिए गए हवाले और कठिन शब्दों का मतलब समझने में सहायक सिद्ध होंगे इन गजलों के मूल रूप में इतना बदलाव नहीं किया गया है कि इनका मूल अर्थ खो जाए रूमी को न तो रोमांचक बनाकर पेश किया गया है न ही उनके संदेश उनकी नसीहतों के असर को हल्का करने की कोशिश की गई है अनोखी और लुप्त हो चुकी जबान की चुनौतियों के बावजूद इस किताब में दर्ज गजलों का अनुवाद काफी हद तक फारसी जबान के मौलिक रूप को बरकरार रखते हुए किया गया है कुछ कलाम आसानी से समझे जा सकते हैं जबकि कुछ को समझने के लिए गहरे सोच विचार की जरूरत है हालांकि बार बार सुनने में इनका असल सार उभर कर आएगा हरेक कलाम हमारे समय और ध्यान देने योग्य है हम आशा करते हैं कि रूहानियत की राह पर चलने वाले हर खोजी के लिए यह किताब प्रेरणा का स्रोत होगी यहाँ रूमी हमें समझाते हैं कि जुदाई का असल मायना क्या है विशाल की उम्मीद क्या है और साथ ही इस बात की भी गहरी समझ देते हैं कि जुदाई के बिना विशाल मुमकिन नहीं जेसी सेठी ब्यास